आइए हमारे भारत देश को थोड़ा करीब से जान लेते हैं। नंबर वन, पैर में पहनने वाले जूते एसी शोरूम में बिकते हैं और खाने की सब्जियां सड़कों पर। नंबर टू, मैरी कॉम मूवी कर प्रियंका चोपड़ा ने इतने पैसे कमा लिए होंगे जितना खुद मैरी कॉम ने अपने पूरे लाइफ में नहीं कमाए होंगे। नंबर थ्री, हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर पुलिस दिखने के बाद हमें नर्वस फील होता है ना कि से। नंबर फोर, हमारी कंट्री में बनवे रोड को पार करने के लिए हमें दोनों तरफ देखना पड़ता है। नंबर फाइव, पब्लिक प्लेस में टॉयलेट करो तो ओके, अगर किसी को किस करो तो नॉट ओके। नंबर सिक्स, हमारे देश में सबको जल्दी है लेकिन कोई भी टाइम पर नहीं पहुंचता। नंबर टू, किसी अनजान व्यक्ति से बात करना डेंजरस है लेकिन किसी अनजान व्यक्ति से शादी करने से हमें जरा सी भी दिक्कत नहीं है। नंबर एट, हमारे यहाँ कोई इंग्लिश में कटने या गालियाँ देता है तो हम जैसे ओ बाबा क्या कूल बनता है, अगर हम हिंदी में गालियाँ देते हैं तो है कितना गवार आदमी है। नंबर नाइन, हमारे यहाँ के पिता अपनी बेटियों की शादी में इतना पैसा खर्च कर देते हैं जितना उन्होंने उनकी एजुकेशन पर खर्च नहीं किया होगा। नंबर टेन, आईएएस की परीक्षा में 2017 कैसे लिखा था, दहेज लेना हमारे समाज के खिलाफ है और वही बंदा आईएएस बनने के बाद ये कहकर दहेज मांगता है कि मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, मेरा दहेज लेना तो बनता ही है, ये सच कड़वा है लेकिन सच है।